हेलो फ्रेंड्स मेरा नाम जितेंद्र अग्रवाल है इस साल 2019 में आई स्कोर्ड आई सिक्योर वन ट्वेंटी एथ रैंक इन यू पी एस सी सी एस सी आई वॉन्ट टू शेयर माई जर्नी विथ ऑल ऑफ यू सो फर्स्ट ऑफ ऑल एज फार एज एजुकेशन इज कंसर्न मेरा मैंने एम किया है और साथ में एम इन फार्मेकोलॉजी किया है जो मैंने एम पी मेडिकल कॉलेज जामनगर से किया हुआ है 2010 में मेरा एम खत्म हुआ और 2014 में एम खत्म हुआ एम ख़त्म होने के दो साल बाद एज वैन आई वॉज एट द एज ऑफ ट्वेंटी एट्थ आई रियलाइज के uh, मुझे कुछ और भी करना है Then आई स्टार्टेड फॉर द प्रिपरेशन ऑफ यू पी So as a general category सो एज ए जनरल कैटेगरी कैंडिडेट आई हैड लेफ्ट ओनली फोर बिकॉज द एज लिमिट इज थर्टी टू एंड दिस वॉज माई लास्ट अटैम्प सो विद द गेट ग्रेस ऑफ द गॉड आई कुड सिक्योर वन ट्वेंटी एट्थ रैंक आई वॉन्ट टू शेयर इन माई जर्नी दैट वॉट मिस्टेक्स आई हैव मेड विच लेड मी टू फोर्थ अटैम्प्ट टू क्रैक दिस एग्जाम फर्स्ट अटैम्प विच आई अपियर जो दो हजार सोलह में था उसके अंदर मेरा प्रिलिम ही क्लियर नहीं हुआ और उसका जो मेन रीजन मुझे लगता है कि मेरी प्रिपरेशन अप टू द मार्क नहीं थी Uh, मैंने सिर्फ़ एक एग्ज़ाम uh, देने के लिए एक एग्ज़ाम दे दी थी एक एक्सपीरियंस करना चाहता था कि यू के एग्ज़ाम क्या होती है और मेरे पास इतना मटेरियल रिसोर्स भी अवेलेबल नहीं था uh, कोई फ्रेंड सर्कल भी इतना कोई खास नहीं था कि जो प्रिपेयर कर रहा हो तो uh, उस समय मुझे पूरा गाइडेंस नहीं मिल पाया कि किस तरीके से एग्ज़ाम को करना है रिसेंटली आई वाज आल्सो मैरिड रिसेंटली इन 2015 एट दैट टाइम सो आई कुड नॉट फोकस ऑन माई स्टडी दैट मच दो हज़ार सत्रह का अटैम्प्ट मैं सीरियसली देना चाहता था इसलिए मैंने एक कोचिंग इंस्टीट्यूट की टेस्ट सीरीज ज्वाइन की और उसको सीरियसली फॉलो किया उसका फ़ायदा मुझे ये हुआ कि मैं पूरा कोर्स कम्प्लीट कर पाया और कोर्स कम्प्लीट ना कि कोर्स कम्प्लीट कर पाया बाकी टॉपिक वाइज कोर्स कम्प्लीट कर पाया मैं किसी पर्टिकुलर कोचिंग सीरीज का नाम नहीं लेना चाहता आप किसी भी एक कोचिंग सीरीज कि टेस्ट सीरीज ले लीजिए एक या दो ले लीजिए और तो आप उसको टॉपिक वाइज प्रिपेयर कर सकते हैं उससे मेरा प्रिलिम क्लियर हो गया बट 2017 में जो मेरा मेंस था वो भी क्लियर हो गया और 2017 के इंटरव्यू में अपियर हुआ लेकिन फाइनल लिस्ट में मेरे 32 नंबर कट ऑफ से कम रहे और इसके जो मुख्य कारण थे वो दो थे एक था कि माय स्कोर इन इंटरव्यू वाज ओनली एंड माई स्कोर इन जनरल स्टडीज़ वॉज थ्री नाइन्टी टू मैंने मेरा ऑप्शनल मेडिकल साइंस था तो मेडिकल साइंस में मेरे थ्री जीरो थ्री थे उसने मुझे काफ़ी सपोर्ट किया एंड एस एम में वन फोर्टी नाइन थे सो so, जब मैंने अपनी मार्क्सिट एनालाइज की तो मुझे पता चला कि मेरा जनरल स्टडीज़ थोड़ा वीक है और इंटरव्यू वीक है और जस्ट थर्टी टू मार्क्स पीछे था तो मुझे लगा अगर मैं इंटरव्यू में अगर दस बीस मार्क भी, भी इम्प्रूव कर पाता हूँ और जी एस में चार सौ से ऊपर स्कोर कर पाता हूँ तो सिलेक्शन हो सकता है तो 2017 के अटैम्प्ट ने मुझे कॉन्फिडेंस दिया कि अगर आप और अच्छी दिशा में मेहनत अगर मैं करूं तो मेरा सिलेक्शन पॉसिबल है 2017 के अटैम्प्ट में जो जीएस में 392 मार्क्स थे उसका मुख्य कारण जो मैंने बताया कि प्रिपरेशन सही नहीं थी और जो मेंस की प्रिपरेशन सही नहीं थी उसका जो मेन रीज़न था कि आ, मैं कोर्स ही खत्म नहीं कर पाया और उसकी वजह से 130 थर्टी टू वन मुझे एग्जैक्टली याद नहीं है उतने नंबर के एग्जाम मुझे आ, मेंस के एग्जाम में पता ही नहीं चले जनरल स्टडीज़ में तो मैं वो बिल्कुल ब्लैंक छोड़ के आया था आ, तो अगर आप अंदाजा लगा सकते हैं अगर वो वन या वन नंबर अगर मुझे आ रहे होते या मैंने ये गलती नहीं की होती तो एटलीस्ट आई कुड हैव स्कोर मोर थर्टी फोर्टी मार्क्स इन जी तो जब ये गलती समझ में आई और इंटरव्यू में नंबर कम थे तो 2018 में उसे सुधारने का प्र, आ, मैंने कोशिश की और 2018 में जीएस और भी रिलीजियसली फॉलो किया आ, कोर्स अच्छे से कंप्लीट किया और 2017 में जो मेरी मेन मिस्टेक ये भी थी कि मैंने मेंस का कोर्स देखा ही नहीं कि जी एस में क्या पूछेंगे जी एस में क्या पूछेंगे जी एस के सब टॉपिक्स क्या क्या हैं एथिक्स में क्या पूछते हैं तो जी 2018 के अटैम्प्ट में मैंने टॉपिक वाइज प्रिपेयर किया और जो मटेरियल अवेलेबल नहीं था उसको मैंने ऑनलाइन मटेरियल को प्रिपेयर किया 2018 का अटैम्प्ट दिया उसमें भी इंटरव्यू में अपियर हुआ 2018 में भी अनफॉर्चुनेटली एक मार्क्स से फाइनलिस्ट में नाम आना रह गया 981 स्कोर हुआ था उस समय उसका जो मेन रीज़न था वो अगेन इंटरव्यू ऑनली स्कोर वन मार्क्स एन जी एस आई स्कोर फोर ट्वेंटी सेवन सो जो गैप था थ्री एटी का थ्री नाइन्टी टू से फोर ट्वेंटी सेवन तो वहाँ पर मैंने एटलीस्ट Uh, काफ़ी चालीस uh, एक नंबर थर्टी सेवन नंबर जितना मैंने इम्प्रूव किया था थर्टी फाइव जितना एग्जेक्टली exactly, uh, इतना मैंने इम्प्रूव किया था और मेरे जो मेडिकल साइंस में मार्क्स थे वो थ्री जीरो थ्री से कम होकर टू एटी सिक्स हो गए वहां पे मैंने थोड़ा लॉस किया और इंटरव्यू में बहुत ज़्यादा इम्प्रूव नहीं कर पाया तो कम्युलेटिव इफेक्ट ये हुआ कि एक मार्क्स से फाइनल लिस्ट में रह गया नाम और रिजर्व लिस्ट में थर्टींथ रैंक आया लेकिन अगेन एक मार्क्स से रह जाते हैं तो मार्क्स एटनलाइज करने के बाद लगा कि और अगर मैं मेहनत करूंगा इसके अंदर थोड़ा और एरिया इम्प्रूव करता हूं मेडिकल साइंस में आ, और जीएस को मैं इतना स्कोर में मेंटेन कर सकता हूं और इंटरव्यू में थोड़े बीस नंबर बढ़ जाते हैं तो लिस्ट में और अच्छा रैंक लाने में बहुत ज़्यादा दूरी नहीं रहेगी टू का अटैम्प जो मेरा लास्ट अटैम्प था आ, वो मैंने इस तरीके से दिया फॉर्चुनेटली 2019 में मेरा वन ट्वेंटी एट रैंक स्कोर हुआ अभी तक मार्कशीट नहीं आई है तो ये एग्जैक्टली exactly तो मैं नहीं बता सकता कि कहाँ पे क्या स्कोर हुआ बट होपफुली जो मेरा इंटरव्यू जो पिछले दो साल से इतना अच्छा इम्प्रूव नहीं कर पा रहा था डेफिनेटली इस बार मैंने कम से कम बीस नंबर का इम्प्रूवमेंट किया होगा उसमें आ, ये जो मैंने प्रिपरेशन की आ, उसमें एक बात मैं ऐड और करना चाहूँगा कि ये प्रिपरेशन मैंने विथ माई जॉब की 2000 सोलह uh, सत्रह में मैं मेडिकल कॉलेज में uh, पढ़ाता था 2018 से मैंने गुजरात एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज ज्वाइन किए आफ्टर क्लियरिंग जी एंड सिक्योर एटीन रैंक और इस ड्यूरेशन में फील्ड वर्क भी था uh, तहसीलदार भी बने एस भी बने तो उस ड्यूरेशन में भी uh, काम किया तो एक ये चीज़ है कि कई लोग एसपेरेंट्स को ये प्रॉब्लम uh, होती है या ये क्वेश्चन होता है कि क्या हम वर्क के साथ प्रिपरेशन कर सकते हैं या नहीं कर सकते वर्क के साथ डेफिनेटली प्रिपरेशन की जा सकती है लेकिन आपको उसको एक डेडिकेटेड फॉर्म में आपको प्रिपेयर करना होगा आ, काम आपका एक्सक्यूज़ नहीं हो सकता है अगर आपको इस एग्ज़ाम के लिए प्रिपेयर करना है तो एक्सक्यूज़ आपके लिए ऑप्शन नहीं है आपको समय निकालना होगा आ, जैसे कि आ, मेरा ये शेड्यूल रहता था कि न्यूज़पेपर मैं डेली पढ़ता था और दिन के एक दो घंटे या मिल जाते थे तो वो मैं पढ़ लेता था जो कि मेन से पहले आ, मेरे जो सीनियर ऑफिसर्स थे मेरी जो कंट्रोलिंग अथॉरिटीज़ थी उन्होंने मुझे सपोर्ट किया और आ, मुझे आ, 40 दिन की लीव भी मिली तो उसमें मैं अच्छे से अपने आप को परफॉर्म कर पाया और पिछले दो तीन सालों से मेहनत कर रहा था इसकी वजह से वो एक क्यूमिलिटी इफेक्ट भी थी तो फर्स्ट टाइमर अगर काम के साथ निकालना है तो बहुत मुश्किल है लेकिन अगर एक दो तीन साल का अगर आपका एक्सपीरियंस है और आपने उसमें पढ़ाई की है तो वो क्यूमिलिटी इफ़ेक्ट आपको हेल्प करती है और ये एग्जाम जो है इसमें सिर्फ मेहनत से पास होना मेहनत सिर्फ मेहनत करके पास होना थोड़ा मुश्किल है लक बहुत बड़ा फैक्टर है आपने बहुत सारी चीज़ें पढ़ी हैं अनलिमिटेड कोर्स है बहुत सारे और फैक्टर हैं आप वर्किंग हो और आप अगर मैरिड हो तो बहुत सारी चीज़ें इसमें काम लगती हैं तो आपने जो पढ़ा है उसमें से क्वेश्चन पूछा जाना और जो क्वेश्चन पूछा गया वो आपको अच्छे तरीके से याद है आपका माइंडसेट कैसा है उस दिन ये सारी चीज़ें फैक्टर इम्पोर्टेंट करता है सबसे ज़्यादा ये चीज़ अगर लक इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है वो तो इंटरव्यू है क्योंकि इंटरव्यू में आपने जो पढ़ा है वो आना और आपके एरिया में क्वेश्चन आना और आपको उसको कॉन्फिडेंटली रिप्लाई करना ये बहुत बड़ी चीज़ होती है मैं ये जरूर शेयर करना चाहूँगा कि इंटरव्यू में मैंने क्या क्या मिस्टेक्स की आ, एज़ uh, कि मैं एक टेक्निकल बैकग्राउंड से था एम था फिर एम था तो एक जो अंदर जो एक ईगो रहता है ना कि भाई अगर मेडिकल का फील्ड का क्वेश्चन आया तो मैं एक्सपर्ट जो टीम बैठी है सामने उससे ज़्यादा एक्सपर्ट हूँ और मैं मैं जो कहूँगा वो ज़्यादा सही है तो uh, 2018 के इंटरव्यू में, में मेरे साथ यही हुआ आई वॉज कैरीड अवे विथ माई मेडिकल बैकग्राउंड तो उसके अंदर क्या होता है कि uh, जब आपके सामने एक्सपर्ट हैं और वो आपसे आपके फील्ड के बारे में क्वेश्चन पूछ रहे हैं तो उनका एक नज़रिया रहता है ये पब्लिक सर्विसेज में आ, कैसे इम्पोर्टेंट रहेगा तो उस चीज़ को लेकर आपको उसको आंसर करना है आ, ये मेरी मिस्टेक थी टू थाउजेंड का जो मेरा इंटरव्यू था वो डिज़ास्टर था आ, उसका कारण ये था कि पहले जो क्या पूछ रहे हैं उसका रिलेवेंट आंसर ही मैं नहीं दे पाया या कम्युनिकेशन गैप था या मुझे समझ में नहीं आया वो क्या पूछना चाह रहे हैं और मैं आंसर कुछ और दे रहा था तो ये है दूसरा कि इंटरव्यू को जो सेवनटीन और एटीन में मैंने नॉलेज बेस पर लिया था कि जैसे हम मीनस में प्रिपेयर करके जाते हैं पीटी में प्रिपेयर करके जाते हैं इस तरीके से मैं प्रिपेयर करके गया लेकिन जैसे अगर आप पढ़ोगे कोर्स भी पढ़ोगे यूपीएससी का तो उसमें लिखा हुआ है कि पर्सनालिटी ये पर्सनालिटी टेस्ट इंटरव्यू हम बोलते हैं बट बेसिकली इट इज यूपीएससी कॉल्स इट पर्सनैलिटी टेस्ट सो दे वॉन्ट टू असेस योर पर्सनैलिटी और दो साल एडमिनिस्ट्रेटिव uh, सर्विस में रह के मुझे ये अनुभव हुआ कि आ, किस प्रकार की एटीट्यूड एंड एप्टीट्यूड एक सिविल सर्वेंट में होना चाहिए आ, उनका पब्लिक सेंसिटिविटी उनमें है या नहीं है इम्पैथी है या नहीं है आपके आंसर में एक रिस्पॉन्सिबिलिटी झलकती है या नहीं झलकती है आप डिफरेंट व्यू को ले कर एकोमोडेटिव हो या नहीं हो जो सेवनटीन एटीन में आ, मैं अपने एक्सपीरियंस के हिसाब से कह सकता हूँ कि आई वॉज मोर रिजिड इन माई इंटरव्यू दैन इन नाइनटीन इंटरव्यू नाइनटीन में आई वॉज़ ट्राई टू बी मोर इम्पैथेटिक और सर्विस में रहने के बाद ये जो पब्लिक से डीलिंग करने के बाद इतना समझ में आ गया कि आपको अगर पब्लिक सर्विस में रहना है तो लोगों की समस्याओं को समझना पड़ेगा और सब और समस्या को लेकर भी पब्लिक के और एडमिनिस्ट्रेटर के व्यू अलग अलग हो सकते हैं तो बहुत रिजिड आप इस चीज चीज़ में नहीं रह सकते वो चीज़ मुझे लगता है कि दो 2019 में मैंने सुधारी दूसरा यह है कि अगर इंटरव्यूअर आपसे डिसएग्री कर रहा है तो वो आपको कोई ना कोई हिंट जरूर देता है इंटरव्यू में अगर आप वो हिंट पकड़ लेते हैं जरूरी नहीं है कि आपने एक बार बोल दिया तो आप उस चीज़ को ले बैठे रहें इंटरव्यू इंटरव्यूअर अगर आपको कुछ डिसेग्री कर रहा है तो एक बात मान के चलिए कि दे आर वो बहुत एक्सपीरियंस है अपनी फील्ड में जिस फील्ड में हम जा रहे हैं उस फील्ड में उन्होंने 30-35 साल काम किया हुआ है तो ये हमारे कॉलेज टाइम का या वैसा इंटरव्यू नहीं होता है कि दे ट्राई टू ट्रैप यू दे बेसिकली ट्राई टू फैसिलिटेट यू अगर आप कहीं गलत जा रहे हैं तो वो आपको एक इशारा जरूर करेंगे उस इशारे को पकड़ के हमें अपनी गलती अगर लगती है कि हाँ इसमें मैंने कुछ गलत कह दिया है तो सॉरी कह दीजिए और आ, आ, उस इंटरव्यू में आगे बढ़िए सेवनटीन एटीन में मैंने यही किया जो मैंने व्यू ले लिया मैं उस व्यू को पकड़ के अटका रहा तो ये चीज एक ये बताती है इंटरव्यू में कि जो पर्सनैलिटी है सामने वाले बंदे की जो इंटरव्यू दे रहा है उसकी कि वो व्यूज़ को लेकर अकोमोडेटिव नहीं है ही इज़ वेरी रिजिक्ड तो मैंने आ, वो 19 में चेंज करने की कोशिश की मार्कशीट अभी आई नहीं है तो पता नहीं इसका कितना इम्पैक्ट है बट आई फेल्ट वेरी गुड आफ्टर इंटरव्यू इन 2019 17-18 में आ, निकलने के बाद इतने अच्छे वाइब्स नहीं थे तो आ, ये मैं कह सकता हूँ कि इंटरव्यू के अंदर ये करना चाहिए एज फार एज़ प्रिलिम इज़ कंसर्न प्रिलिम तीन बार कॉजिक्यूटिव निकाली है तो एक एक्सपीरियंस मेरा ये कहता है कि प्रिलिम के अंदर प्रैक्टिस बहुत इंपॉर्टेंट है uh, सब लोग एक ही मोस्ट ऑफ द मटेरियल सेम है uh, सबको पता है क्या पढ़ना है uh, लेकिन इम्पोर्टेंट चीज़ है कि ये भी पता होना चाहिए कि क्या नहीं पढ़ना है uh, सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है कि आप प्रीवियस ईयर्स के बीस पच्चीस साल के पेपर उठाइए वो पढ़िए और उसको सॉल्व करने का ट्राई कीजिए तो आपको एक अंदाज़ा आएगा कि यूपीएससी पर्टिकुलर टॉपिक में से एक एक्सपायरेंट के पास से क्या एक्सपेक्ट करना चाह रही है सेवनटीन एटीन नाइनटीन में प्रिली में थोड़ा सा ट्रेंड चेंज हुआ है करंट अफेयर ज़्यादा आ रहे हैं लेकिन मुझे लगता है कोई भी पेपर हो उसके अंदर थर्टी फाइव टू फोर्टी क्वेश्चन ऐसे हैं जो बिल्कुल कोर सब्जेक्ट से आते हैं और बहुत uh, अगर आप थोड़ा बहुत एफर्ट डाले तो बहुत ईजी होते हैं uh, मुझे लगता है कि आपको इस वाले जो 35 फाइव टू फोर्टी क्वेश्चन हैं उनको सिक्योर करना है अगर क्योंकि आप वहाँ गलत हो रहे हो तो आप बाकी लोगों से वहाँ पीछे हो रहे हो क्योंकि बाकी के क्वेश्चन में आपकी और सब दूसरे जो भी लोग हैं सबकी पोजिशन मोरलली सेम है रिस्क सेम है, है अगर आपको रिस्क कम करना है तो आपके थर्टी फाइव टू फोर्टी क्वेश्चन में रिस्क कम कर सकते हो तो मैंने उस एरिया पे ज़्यादा फोकस किया और मैंने जितना भी एनालाइज़ किया तो मुझे ये पता चला ये जब जो फोर्टी क्वेश्चन में पहला अटैम्प्ट करता हूँ उसमें मेरा सक्सेस रेशियो काफ़ी हाई है अगर मैं फोर्टी करता हूँ तो मेरे थर्टी सेवन टू थर्टी एट क्वेश्चन करेक्ट होते हैं और बाकी के जो क्वेश्चन हैं बाकी के जो मुझे अटैम्प्ट हैं मैं मान के चलता हूँ कि यू पी से बारह क्वेश्चन ऐसे निकालेगी जो मुझे बिल्कुल अंदाजा ही नहीं है तो उनको मैं साइड पर रख देता हूँ और नो रिस्क जोन में रख कर उनको अटैम्प्ट नहीं करना है बाकी के क्वेश्चन में आप एक ऑप्शन एलिमिनेट कर सकते हो दो ऑप्शन एलिमिनेट कर सकते हो तो वहाँ पे आपको रिस्क लेना पड़ेगा दूसरा ये है कि प्रीलिम के जो क्वेश्चंस होते हैं इट इज़ ऑल अबाउट रीडिंग बिटवीन द लाइंस। आपको पकड़ना पड़ेगा उसकी भाषा समझनी पड़ेगी कि ये पूछना क्या चाह रहा है ऑल ऑफ द ऑल एक्सेप्ट है ऑनली वन है जो उसकी भाषा पकड़ के और की आपको आइडेंटिफाई करना होगा तब आप उस क्वेश्चन को कर पाओगे दूसरा अटैम्प्ट अटैम्प्ट इज मोर मोस्ट इम्पोर्टेंट कि आपको कितने अटैम्प करने हैं जो अभी पैटर्न है उसमें आप जितने ज़्यादा अटैम्प करोगे उतना आपका रिस्क बढ़ रहा है क्योंकि अननोन टेरिटरी से क्वेश्चंस ज़्यादा आ रहे हैं और वो अटैम्प करने जाओगे तो हाई चांसेस हैं कि यू विल फॉल इनटू द ट्रैप इन द नेगेटिव मार्क्स तीसरा है प्रैक्टिस प्रैक्टिस बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि आ, अगर आप जैसे कि मैं बताया कि आ, मेरा पिछले तीन बार से इंटरव्यू है तो इंटरव्यू के बाद रिजल्ट आने पे पता चलता है आप फेल हैं तो आपके पास हार्डली थर्टी फाइव टू फोर्टी डेज ही रहते हैं तो उस ड्यूरेशन के अंदर पेपर सॉल्व करना बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है पेपर सॉल्व आपके माइंड को ट्रेन करेगा कि कौन से क्वेश्चन आपको अटैम्प्ट करने हैं कौन से आप कॉन्फिडेंट हैं और कौन से क्वेश्चन आपको बिल्कुल ही अटैम्प्ट करने हैं और जब भी आप अटैम्प्ट प्रिलीम का दे रहे हो मतलब टेस्ट सीरीज में तो ये मान के चलिए कि आप यूपीएससी का पेपर दे रहे हो और उसके अंदर आपको क्या नहीं अटैम्प्ट करना है ये तो क्लियरली पता होना चाहिए और क्या अटैम्प्ट करना है कौन से सेफ जो है वो भी पता होना चाहिए तो ये आपके एनजाइटी को एग्जाम में रिड्यूस करेगा बिकॉज यू नो बिफोर हैंड के मेजा मेरा ये माइंड है सेल्फ असेसमेंट के बारे में मैंने आपको बता दिया तो प्रीलिम के अंदर ये है प्रीलिम के अंदर लग बहुत आ, 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 रोल फैक्टर करता है क्योंकि दो दो क्वेश्चन दो आंसर आपने एलिमिनेट कर दिए दो ऑप्शन दो नहीं कर पाए फिर आपने उसको जो ज़्यादा ऑप्शन अच्छा लगा वो किया और वो कहीं इधर उधर हो गया तो प्रीलिम आपका आ, आप इन भी हो सकते हो आउट भी हो सकते हो जो सर्टेन थिंग है पूरी एग्जाम में वो है एक मेन्स और सिलेक्शन के लिए अगर मेन्स में नंबर नहीं आए तो आ, आपका हो सकता है लिस्ट में नाम आ जाए पर अच्छा रैंक लाना लाने के लिए मेंस में अच्छे नंबर होना बहुत ही जरूरी है आ, मेंस में जैसे मैंने आपको मेरी जर्नी बताई 2017 में क्या हुआ मेरे साथ 140 मार्क्स नहीं लिख पाया फिर भी आई स्कोर 392 तो मैंने एक चीज उसमें ये ऑब्जर्व की कि आ, मेंस में जो लोग जो पूछा गया है वो लिखते हैं तो नंबर ज़्यादा आते हैं रिलेवेंट आपको लिखना है और आ, जो टॉपिक आता है जो हमें आता है वो नहीं लिखना है जो पूछा है वो लिखना है और उसका सबसे अच्छे तरीका ये है कि आपने आपका जो क्वेश्चन है उसी के अंदर से आप हेडिंग बनाइए अगर आप उसके अंदर से हेडिंग बनाते हो तो आपके क्वेश्चन की जो डिमांड डि, है वो एड्रेस हो जाएगी आ, सपोज अगर आपको ये पूछा गया है कि आ, क्या आ, गवर्नर की पोस्ट आ, कुछ रिसेंट समय में देखा गया है कि गवर्नर की पोस्ट पे मीडिया में बहुत सारे क्वेश्चन उठ रहे हैं क्या आपको लगता है कि गवर्नमेंट की गवर्नर की पोस्ट पॉलिटिकल है या नहीं है डिस्कस uh, तो वो आपसे यहाँ पे क्लियर आपसे एक ओपिनियन मांग रहा है कि आप क्या देख रहे हो उसके अंदर गवर्नर की पोस्ट पॉलिटिकल है या नहीं है और उसने देखिए पहले लिखा है कि करंटली इट इज इन द न्यूज़ तो आप जब इसकी शुरुआत करोगे पॉलिटी के आंसर में तो आपको ये लिखना पड़ेगा कि गवर्नर एक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है कौन सा आर्टिकल है ये आपने दो चार चीजें लिख दी उसके बाद आप लिखोगे कि करंटली इट इज़ इन द न्यूज़ फ्रॉम फॉलोइंग रीजन्स ये था फिर आप बाद में लिखोगे कि क्या ये पॉलिटिकल है या नहीं है ठीक है तो आप लिखोगे कि भाई पॉलिटिकल इस नजरिए से ये पॉलिटिकल है और कॉन्स्टिट्यूशन इसको इस तरीके से बचाता है और बाद में आपको अपना एक इसमें स्टैंड देना है कि आप क्या चाह रहे हो तो आप इस बात के बारे में क्या सोचते हो तो ये क्वेश्चन ऐसा है कि हाँ गवर्नर की पोस्ट पॉलिटिकल है ये डिसीजन से दिखता है लेकिन हाउ एवर कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन ये ये हैं और आप उसके अंदर जरूर कंक्लूजन लिखिए वे फॉरवर्ड भी लिखिए और कंक्लूजन भी लिखिए वे फॉरवर्ड में लिखिए कि इसको कैसे हम बचा सकते हैं और कंक्लूजन के हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में आपको अपनी एक कॉन्फिडेंस दिखाना होगा कि इतने सारे होने के बावजूद भी कॉन्स्टिट्यूशन ने ऐसे प्रोविजन प्रोवाइड किए हैं कि वो गवर्नर की पोस्ट को ए पॉलिटिकल पौलिट, होने से बचा सकता है तो अगर आपका ऐसा प्राग्माटिक आंसर है तो आपको मेंस में नंबर अच्छे आने की संभावना रहती है दूसरा है है एक जो रहता है पूरे यूपीएससी प्रिपरेशन में मटेरियल मार्केट में बहुत सारा है ऑफलाइन भी आपको इतना ही मटेरियल मिलेगा ऑफलाइन भी आपको उतना ही मटेरियल ऑनलाइन भी इतना ही मटेरियल मिलेगा अब मटेरियल का इतना बड़ा समुंदर है और उसमें आपको नाव लेके जाना है तो आपको पता होना चाहिए कि मुझे कौन सी मछली पकड़नी है अगर आपका टारगेटेड अप्रोच है तो बहुत हेल्प करेगा दूसरा है जब हम आंसर लिखते हैं तो आप ये सोचिए कि आपको दो तीन चीज़ें करनी है एक तो जो क्वेश्चन पूछा है उसकी डिमांड एड्रेस करनी है और वो डिमांड एड्रेस होने के लिए आपको जो टॉपिक पूछा है वो आपको याद आना चाहिए और मेमोरी किस तरीके से बनती है अगर आप उसकी प्रोसेस जानोगे तो आपको पता चलेगा कि वो रिपीटेटिवली अगर कोई चीज़ आपके सामने आती है तो वो मेमोरी में फॉर्म होता है मैं जैसे सबसे पहले शॉर्ट टर्म मेमोरी बनेगी उसके बाद लॉन्ग टर्म मेमोरी बनेगी और लॉन्ग टर्म मेमोरी तभी बन सकती है जब आप शॉर्ट टर्म मेमोरी को रिपीटेटिवली रिवाइज करते रहें तो ये बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है साइंटिफिकली आप आपने ये अनुभव भी किया होगा कि जब आप को कोई टॉपिक कोचिंग क्लास में पढ़ाया जाता है या आप कोई वीडियो देखते हो या आप किसी चीज़ को अच्छे से समझते हो तो उस समय आपको उसके बारे में बहुत सारी चीजें आती होती हैं और आपको एक कॉन्फिडेंस आ जाता है कि ये अगर मुझसे पूछेंगे तो मैं एग्जाम में इसको कर लूँगा अगर उसका आपका रिविजन नहीं हुआ तो ये आप मेरा भी अनुभव है और आपका भी अनुभव होगा कि वो चीज़ आप एग्जाम में नहीं लिख पाएंगे रीज़न ये है कि आपकी शॉर्ट टर्म मेमोरी तो अच्छी बनी थी मगर आपकी लॉन्ग टर्म मेमोरी अच्छी नहीं बन पाई तो आप उसको अच्छे से एनालाइज करके एग्जाम में नहीं लिख पाए तो रिविजन इज की और उसके लिए आपका मटेरियल जितना लिमिटेड हो अगर आपको नोट बनाने की आदत है नोट्स बनाइए या मुझे नोट्स की आदत नहीं थी तो मैं मोस्टली जो मटेरियल है उसको मैं रिपीटेटिवली रिवाइज करता था दूसरा आपको इम्पोर्टेंट uh, यह है कि आपको कोर्स पता होना चाहिए Uh, कई स्टूडेंट्स को आपने सुना होगा कि ये क्या पूछ लिया ये कोर्स में ही नहीं था लेकिन अगर आप डीप में एनालाइज करोगे तो आपको पता चलेगा ये पर्टिकुलर टॉपिक का पर्टिकुलर पार्ट पूछा गया है आप मेंस देखिए उसमें कोर्स में देखिए सत्रह अट्ठारह उन्नीस पॉइंट्स दिए हैं और आप पेपर एनालाइज किया आपको पता चलेगा वो पॉइंट्स वाइज जैसे आप नीचे 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 जाते जाओगे वैसे वैसे आपको क्वेश्चन पूछे गए हैं उनमें से तो अगर वो आपको पता है तो अगर उस सेक्टर में से क्वेश्चन आता है तो आपको पहले से पता होगा कि इस सेक्टर में से क्वेश्चन आया है तो मैं इसका आंसर इस Uh, ये ये जो क्वेश्चन पूछा हुआ है ये इस कंटेक्स में पूछा गया है तो आप उसको अच्छे से जस्टिफाई कर पाओगे uh, और इंटरव्यू के बारे में मैंने आपको पहले बताया ही है इंटरव्यू इज़ नॉट अबाउट द टेस्ट ऑफ योर नॉलेज इट इज़ अबाउट टेस्ट ऑफ योर पर्सनैलिटी आई मिस इंटरप्रिटेड इन टू थाउजेंड एंड प्रोबेबली आई कूडेंट स्कोर इन वन इन सेवेंटीन एंड वन इन टू सो आई एडवाइस के इंटरव्यू को आप uh, पर्सनालिटी टेस्ट के तौर पे लीजिए अपनी पर्सनालिटी इम्पैथी जो हम एथिक्स में पढ़ते हैं ना वही असेसमेंट आपका इंटरव्यू में होने वाला है आ, इसी के साथ मैं बेस्ट ऑफ लक कहना चाहता हूँ और, और मेरी जर्नी सुनने के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद थैंक यू वेरी मच